हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आपको इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने जा रही हूँ जो कि मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ की है अपने हाउस के लिए। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने क्या लिया है। तो मेरे इस पूरे व्लॉग के साथ आप बने रहें, इस पूरे व्लॉग को आप एंड तक ज़रूर देखें। और क्योंकि मैं इसकी अनबॉक्सिंग बोलो या असेंबली बोलो, मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैं आपको वो सीसीटीवी हमारे घर में जो लगे हुए हैं उसके फुटेज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या परचेज़ किया है अपने घर के लिए। वो डेकोरेटिव है, पार्ट ऑफ डेकोरेशन है, और आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। मुझे तो बहुत पसंद आया। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये है इसका बॉक्स। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मैंने होम सेंटर से ख़रीदा है। और ये कंसोल है बेसिकली, जो कि मैंने अपने लिविंग एरिया के लिए ख़रीदा है। कंसोल मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। कंसोल हम लोग हमेशा इसके प्राइजेस चेक करते थे, तो ये 40,000 अराउंड था। तब हम लोगों ने फाइनल किया, हमें 33,000 का मिला है। और ये मैंने ना, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, ये मैंने ऑनलाइन नहीं परचेज़ किया। ऑनलाइन हमने देखा था, लेकिन मैंने ऑर्डर ये स्टोर पे ही जाके किया है। और इसका इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये लगने के बाद इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना गाइस, कि मतलब मेरा तो पूरा लुक ही चेंज हो गया है। मेरे को इतना पसंद आया है ये, आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा। यहाँ पे थोड़े से और कार्टन पड़े हैं, तो उनको अवॉइड करना। जैसे कि ये है, ये मेरे बेटे के टेबल का वो था। तो ये है, और आप देख सकते हैं इसमें, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, इसका जो भी आप बोलो कोड्स हैं, ये कुछ ऐसे ऐसे है। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको जैसे कि मैंने बोला आपको कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग या असेंबली, जो भी असेंबल किया है उन्होंने ही किया है, जो आए थे होम सेंटर वाले, उन्होंने असेंबल किया है। और इतनी इजी थी इसको असेंबल करना, आप खुद भी कर सकते हो, बट वो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उन्होंने ही किया है। और मैं जैसा कि मैंने बोला आपको, मैं सीसीटीवी ये फुटेज इसमें डालूंगी। तो ये देखिए, इसका इस पर मॉडल नंबर है। इसमें ये इस वाले बॉक्स में ना इसकी लेग्स आई थी, और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसके प्राइसेस हैं 54,000। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये है इसका स्टाइल नंबर, जो भी इनका डिस्क्रिप्शन होता है, सब कुछ इस पर मेंशन है। इसमें इसकी लेग्स आई थी, और इस वाले में ये जो थोड़ा सा लंबा है, इसमें इसका टॉप आया था, जो कि कुछ इस तरह से है। आप आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा, ये कुछ ऐसा है लंबा, क्योंकि इसका टॉप ये, और इसमें इसकी लेग्स थी। ये ऐसे बॉक्स में उन लोगों ने खुद ही अनपैक किया, पूरा प्रॉपर चेक कराया, फिर उन्होंने असेंबल किया, जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो जैसा शिप्रा ने बोला, हम लोग आपको सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं हमारी, कि किस तरह से ये होम सेंटर वाले आए। ये फास्ट मोशन कर दिया है थोड़ा सा, ताकि किसी के लिए भी बोरिंग ना हो। बहुत अच्छे से पैक्ड होके आती है ये जो टेबल है, फर्नीचर इनका। हम लोग पहले भी बहुत सारा सामान ले चुके हैं होम सेंटर से, फर्नीचर थोड़ा अच्छा होता है, क्वालिटी अच्छी होती है, कभी कोई इश्यूज़ नहीं आते हैं लॉन्ग रन में। और ये इनकी पूरी टीम आती है, 3 लोग आए हैं, और बहुत जल्दी जल्दी असेंबल करके वो लोग चले जाते हैं। तो इस टाइम पे सारा कुछ शिप्रा करवा रही थी, क्योंकि मैं घर पे नहीं था, मैं गया हुआ था इज़राइल को स्कूल से लेने। तो इन लोगों ने जल्दी जल्दी इसको पूरा अनबॉक्स किया, और वो टेबल फिक्स करना शुरू हो गए, कंसोल टेबल। तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, और ये पूरा कंसोल टेबल इन्होंने बाहर फिक्स किया है, उसके बाद हम लोग इसको उठवा के अंदर ले गए। यहाँ पर मैं और इज़राइल भी आ गए थे, तो अब मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। थोड़ा बहुत हार्डवेयर भी साथ में आता है इसमें, 2-4 स्क्रूज़, और उसके बाद एलन की, ये इन्होंने जल्दी से क्विकली फिक्स कर दी। और अब हम इस टेबल को अंदर लेके जा रहे हैं।
ये भी फुटेज हम लोग कैमरे से ही निकाल रहे हैं क्योंकि शिप्रा अकेली थी तो वो अच्छे से रिकॉर्ड कर नहीं पाई और मैं लेट हो गया था आने में जब तक इन लोगों ने पूरा असेंबल किया और सब कुछ किया। तो अब ये टेबल हम लोग लेके जा रहे हैं अंदर और शिप्रा ने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि हम लोग किस जगह पे रखेंगे, तो वहाँ रखने के बाद आगे फिर शिप्रा वापस से कंटिन्यू करेगी आपको दिखाना कि हमने किस तरह से इसको डेकोरेट किया है। तो ये देखिए ये कुछ किस तरीके से इसकी लेग्स हैं। ये पूरा वुड है, ये आप देख रहे हैं ये वुड है, और ये है इसका ब्रास। ये बहुत ही अच्छी फाइन क्वालिटी में है, 10/10 है मेरी तरफ से। तो ये देखिए और इसका स्टाइल इतना अच्छा है ना, आप देख सकते हैं इसमें इतना फाइन काम है। ये देखिए इसके लेग्स ये कुछ इस तरीके से हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ उसका टॉप। ये देखिए सी, ये इसका कुछ ऐसे टॉप है। आप देखिए ये इसमें ना ये भी ब्रास का है। ये बहुत ही अच्छा यूनिक पैटर्न लगा मेरे को, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इस पर ये कैंडल स्टैंड रखा है, आप इस पर कुछ भी रख सकते हैं, मैंने ये सब कुछ रखा है। ये मैं प्योर से ख़रीद के लेकर आई हूँ, ये जो मैंने सेंटर में रखा है कैंडल लाइट लैम्प। और ये बहुत ही यूनिक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट निकला है। ये देखिए ये रेंडियर्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे प्लेस किए हैं, और फिर से इस पर ये जो ब्रास का ही है वापस, ये ब्रास के दोनों साइड पे हैं जहाँ पे इसके लेग्स हैं बेसिकली, उनके ऊपर ये ब्रास का पैटर्न दिया हुआ है। उस पर मैंने फिर से एक और कैंडल स्टैंड रखा है छोटे वाले फ्लावर शेप में। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और ये ज़रूर से बताना कि मेरे डेकोरेटिव आइटम्स और मेरा कंसोल आपको कैसा लगा। आप मैं इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकती हूँ या मैं कुछ और ऐड कर सकती हूँ, ये सब आप मुझे प्लीज़ ज़रूर से बताएं। और ये देखिए ये मेरा सबसे प्यारा, ये मैं गोवा से लेके आई थी रिसेंटली, मैंने वहाँ से परचेज़ किया है ये जोकर, बी हैप्पी ऑलवेज। तो ये सब मैंने प्लेस किया है, मैंने इसीलिए लिया था कंसोल कि थोड़ा सा मेरे घर का लुक थोड़ा चेंज हो जाए। और सीरियसली दिस इज़ अमेजिंग अमेजिंग, ये बहुत ही प्रिटी लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। और मैंने ना वॉल पे पेंट भी अभी कराया है, तो मैंने सोच के कराया था कि थोड़ा सा अच्छा लगे, तो इसलिए मैंने ये वाला डार्क थोड़ा सा डार्क कलर कराया है। और ये क्योंकि मैंने मार्बल टॉप लिया है कंसोल मैंने पहले ऑर्डर कर दिया था, 10 दिन पहले हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था, ये आया हमारे पास 3-4 दिन पहले है। तो हमने पेंट इसी को सोच के कराया है ताकि अच्छा दिखे। और हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें सोच रहे हैं कि क्या चीज़ प्लेस करें, तो गाइस आप ज़रूर से बताएं हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ प्लेस करें, क्या चीज़ अच्छी लगेगी यहाँ पे वॉल पे। और ये आप देख सकते हैं इसका पूरा लुक। तो ये कुछ ऐसे है, और आप इसमें कैंडल्स प्लेस कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है रात में जब मैं लाइट्स ऑफ कर देती हूँ, इसकी कैंडल्स ऑन कर देती हूँ, तो ये बहुत प्रीटी लगता है। तो आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा कंसोल, मेरा डेकोरेटिव चीज़ें आपको कैसी लगी, और मैं और क्या चीज़ इसमें ऐड कर सकती हूँ, आप वो भी ज़रूर से बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।